अस्ति संस्कृत। भले विविध भाषाएं जानता हो, विविध कलाएं जानता हो, पर वो अपने आप को नहीं जान पाएगा जो संस्कृत नहीं जानता। तो अब जानने का समय तो नहीं है, पर फिर भी सुना करो, आंतरिक शांति मिले, आत्मा श्रवण करती है हमारी। तो आइए कथा में प्रवेश करें। महात्मा का आज सत्र है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। भगवान सत चैतन्य और आनंद स्वरूप है। सब लोग बहुत ध्यान से श्रवण करो। सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप और आनंद स्वरूप, तीन स्वरूप हैं ठाकुर जी के। जय हो। आज तो जय हो। भैया एक बात ध्यान रखियो, ये सब संत जनन के रूप में श्री श्यामा श्याम ही आ रहे हैं कथा में, और अपने उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। नेक हम आगे बढ़े, सोई ठाकुर जी के नेक डट मो अच्छे ते आन दे, तो ये सुख है हमारे मध्य में। श्री अखंडानंद आश्रम से पूज्य महाराज जी पधारे हैं। आप दोनों महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। हमारे श्री कोकिल साईं जी, आपसे पूज्य महाराज जी का, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज का बहुत स्नेह था, बहुत प्रेम भाव। यद्यपि हमारे स्वामी जी महाराज प्रवचन करते थे और प्रवचन श्रवण करके ही भक्त जन उसको ग्रंथाकार दे देते थे, उसी की लिख करके उसी को ग्रंथ स्वरूप बनाया जाता। पर ऐसा मैंने संत जनों से सुना है कि हमारे श्री कोकिल साई जी के लिए स्वयं स्वामी जी ने कलम उठा करके लिखा। भक्त कोकिल साई स्वयं वर्णन किया आपके चरित्र का, ये सामान्य बात नहीं है। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज सचल श्रीमद भागवत विग्रह थे। मैंने कभी दर्शन नहीं किया महाराज जी का, दास को अवसर नहीं मिला। हमने तो महाराज जी की गोद में खेले हैं, आप सबके दर्शन किए हैं, और आपके दर्शन से ही हमको महाराज जी के आशीष का श्रवण किया है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य पिताजी के गुरुदेव महाराज, वे तो उन्हीं के ही शिष्य स्वरूप थे। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज स्वयं अपने हस्त कमल से जिनका चरित्र लिख रहे हैं, सोचो वे भक्त कैसे होंगे, किस श्रेणी के होंगे। जो साईं परिकर के यहां बैठे हैं वे सब तो जानते हैं, पर जो लाइव देख रहे हैं और जो स्थान से परिचित नहीं, उनको केवल एक एकाध सूक्ष्म बात बता दूं। कोकिल स्वरूप में रहते थे साईं, मानसी भाव। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि वृंदावन में सेवा पद्धति का विशेष भाव है मानसी भाव। मानसी भाव मतलब आप कहीं भी आसन लगा करके बैठ जाएं और नेत्र बंद करके स्थान, स्थिति, परिस्थिति और वातावरण सब परिवर्तित हो जाए और आप श्री ठाकुर जी की निज लीला का दर्शन करने लग जाओ, उसी को मानसी भाव कहते हैं।
आप बैठे दिल्ली में हैं, पर दिल्ली में बैठे बैठे आपने नेत्र बंद किए और मन में विचार किया, कलकल निनाद करती यमुना जी बह रही हैं, श्री गिरिराज जी का मधुर दर्शन हो रहा है, गिरिराज पर्वत के शिखर पर मयूर नृत्य कर रहे हैं, सघन वन है और उसी वन में वेणु की टेर सुनाई दे रही है, कार्तिक के मास में जैसी सौंधी सौंधी हवा चलती है वैसी वायु व्यार बह रही है, एक वृक्ष के नीचे श्री पीताम्बरी लटक रही हैं, ठाकुर जी यहीं कहीं विचरण कर रहे हैं। इस प्रकार आप नेत्रबंद करके अपने मानसी भाव में पहुंच जाते हैं और वहां फिर श्री ठाकुर जी की लीला का दर्शन करते हैं, इसी को मानसी भाव कहते हैं। संभवतः सब लोग मानसी में प्रवेश नहीं कर पाते। वृंदावन के रसिक जनों की आज्ञा से और संत जनों की आज्ञा से मैंने पूछा कई बार, तो उन सबका आदेश हुआ कि यदि मानसी में आपको वो दिख जाए जो नहीं दिखना चाहिए, जो सांसारिक विकार है, यदि वो दर्शन हो जाए तो मानसी को उसी समय विराम दे देना चाहिए। उसके बाद फिर सत्संग करो, संत जनों को प्रणाम करो, शीत प्रसादी पाओ, खूब नाम जप करो और पुनः कुछ दिन के अवकाश के बाद फिर प्रयास करो मानसी में जाने का, और फिर से यदि विकार आवे तो फिर 6 महीना कम से कम मानसी मत करो। इतना सूक्ष्म भाव है, क्योंकि प्रत्यक्ष की सेवा एक बार को ठाकुर जी अस्वीकार कर दें, पर मानसी में जो आप पधराओगे ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। मानसी प्रत्यक्ष से भी प्रगाढ़ सेवा है। तो हमारे साईं मानसी में कोकिल रूप धारण करके विरह में विदग्ध हमारी श्री सीता जी को, सिया जी को, किशोरी जी को जब देखते तो वहां जाकर के श्री राम जी का गुण सुनाते, श्री राम जी का नाम सुनाते कोकिल रूप धारण करके, और सुंदर सुंदर भाव सुना करके श्री जी का विरह जो होता था उस विरह को शांत करने का प्रयास करते थे। मानसी में देह से सबके बीच में होते थे, पर नेत्र बंद करके मानसी भाव से श्री जी की सेवा में होते थे। कितनी बड़ी सेवा कि वे श्री जी को विरह में नहीं देख सकते। अशोक वाटिका में बैठी हमारी सियाजू इतना विरह कर रही है राघवेंद्र सरकार का, तभी वे राघव जी का चरित्र सुनाते वहां बैठ करके, और सियाजू बैठ के सुनती तो विरह पूर्ण रूपेण समाप्त तो नहीं होता पर थोड़ा कम हो जाता। वैसे ही श्याम सुंदर के विरह में विराजमान हमारी श्री किशोरी जी या कभी कभी यमुना तट में होती तो साईं कोकिल रूप मानसी में धारण करके किशोरी जी के पास जाके वहां ठाकुर जी का यश सुनाते, किशोरी जी का विरह समाप्त हो, किशोरी जी का विरह शांत हो। एक अद्भुत स्थिति थी साईं की। ऊपर दर्शन किया है मैंने और आप सबने भी किया होगा कि एक दिन किशोरी जी का विरह देख करके इतने व्याकुल हो गए साईं अपने मानसी में कि जैसे ही उन्होंने पलंग से अपना चरण नीचे रखा तो पृथ्वी पिघल गई उनके चरण रखते ही, इतना विरह। मुझे कोई बात सता रही है, मेरे चित्त में कोई विरह है, मेरे चित्त में कोई व्याकुलता है तो प्रभाव मेरे ऊपर होगा, पर मेरे चित्त के विरह से प्रभाव दूसरे पर होना यह एक प्रेम को दर्शाता है। मेरे चित्त में का प्रेम किस स्थिति का होगा? श्री जानकी जी का विरह आप इतना भी नहीं सह पाए, जानकी जी के विरह को देख करके आप इतने व्याकुल हो गए कि प्रत्यक्ष में मानसी में आपने दर्शन किया था पर प्रत्यक्ष में आपने अपना चरण रखा तो पृथ्वी पिघल गई। ऐसे थे हमारे श्री कोकिल साईं, और थे नहीं हैं। ये वृंदावन में थे शब्द पास्ट टेंस नहीं चलता है, वृंदावन में सब प्रेजेंट टेंस है। कभी भी कोई कहे यहां ठाकुर जी ने जे लीला करी, करी नहीं, कर रहे हैं, यहां यहां पर किशोरी जी ने ये लीला करी, तुरंत टोक दो, करी नहीं, कर रही हैं। वृंदावन प्रकट है, हमारी दृष्टि उस योग्य नहीं कि उस प्रकट का हम दर्शन कर पाए। वृंदावन में आज भी लीला चल रही है श्याम सुंदर की, पर हमारी वह स्थिति नहीं कि हम वह दर्शन कर पाए। हमारे साईं का स्वरूप था
कि आप अपने ठाकुर जी का दर्शन किसी को नहीं कराते थे, क्यों? हमको एक बात साईं साईं से मानो ऐसा लगा कि हमें प्रेरणा मिली इस बात से। हम अपने लाल जी को सबका दर्शन, सबको दर्शन कराते हैं, पर साईं सबको अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते थे। और किशोरी जी का एक श्री स्वरूप साईं की पगड़ी में सदा विराजता था, तो साईं किसी को अपनी ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते थे। उसके पीछे कारण क्या था कि हमारे ठाकुर जी बड़े भोरे हैं, हमारे ठाकुर जी बड़े सीधे हैं, जो संसार के लोग जाकर के संसारी वस्तु उनसे मांग लेंगे और वे बेचारे संकोच में सब दे देंगे। ये कहीं उन संकोच में इतने सहज, इतने सरल, इतने प्रेम स्वभाव के ठाकुर जी को इस संसार के लोग जाके कहीं और संकोच में ना डाल दें, इसलिए अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते। लेकिन हमारे हिताश्रम वाले पूज्य बड़े महाराज जी, जब साईं के काल में वे थे, उन्होंने अपनी लेखनी में लिखा है कि वे जब साईं से मिले तो उन्होंने सबने सुना ही था, वृंदावन में सबको पता था कि भाई कोकिल साईं जी किसी को अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते। उनको ये भय है कि ये संसार के लोग हैं, कहीं जाके कुछ मांग ना लें ठाकुर जी से, ठाकुर जी को संकोच में ना डाल दें। तो हिताश्रम वाले पूज्य बड़े महाराज जी ने साईं से एक दिन ऐसे ही सहजता में कहा, देखें हमको मना करेंगे कि नहीं। आपने कहा अपने ठाकुर जी का दर्शन करा दो, तो साईं तुरंत बोले हाँ जी चलिए कराता हूं दर्शन। लेकर के जाने लगे तो हिताश्रम वाले पूज्य महाराज जी ने मार्ग में ही कहा, साईं हमने तो सुना है कि आप अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते किसी को, पर हमने एक बार कहा और आप तुरंत कह रहे हो चलो आपको दर्शन करा दें। तो साईं बोले आप राधा वल्लभी महात्मा हो, आप राधा वल्लभ संप्रदाय के हो, और श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में ठाकुर जी तो मांगो ना जाए, ठाकुर जी को दियो जाए, या हमारे आप अधिकारी हो उनके दर्शन के। आप पे हमें भरोसा है कि आप कछु ठाकुर जी से मांगोगे नहीं, आप दे के ही आओगे, इसीलिए यहाँ इस आंगन में सब आशीष ही देते हैं, सदा प्रसन्न रहो। यहाँ पूरी दुनिया में हम कथा करने जाते हैं, सब जगह लोग हमको प्रणाम करते हैं, पर साईं के आंगन में यहाँ सब हमको आशीर्वाद देते हैं, महाराज जी खुश रहो, महाराज जी प्रसन्न रहो। यहाँ ठाकुर जी को भी दिया जा रहा है, आत्मसमर्पण का भाव है यहाँ पर, मांगने की स्थिति नहीं। सोने का छत्र चढ़ाएंगे ये दे दो, ऐसा करेंगे ये दे दो, मांगने की प्रथा लगभग सब जगह है। हमारे हिंदू सनातन मंदिरों में भी सब जगह लोग, कहीं पता चल जाए यहां मनोकामना पूरी होती है तो सब लोग वहां मांगते हैं, पर वास्तव में सत्य बताएं वृंदावन मांगने की जगह है ही नहीं। वृंदावन तो लोटावे की जगह है, वृंदावन तो देवे की जगह है, वृंदावन तो बटवे की जगह है। साईं का ऐसा प्रेम अपने ठाकुर जी, तब से हमारे मन में पता नहीं क्यों व्याकुलता हुई जब से ये हिताश्रम वाले महाराज जी की बात सुनी कि भैया हम भी अपने लाल जी का दर्शन सबको कराते हैं, और निश्चित है कि संसार के सब लोग जाकर के छोटे से लाला हमारे 3-4 साल के उनसे जाके जाने क्या क्या मांगते होंगे। तो इस कथा से हम एक नियम बना रहे हैं यही साईं के आंगन से कि आज के बाद हमारे लाला को दर्शन करोगे तो आपको सौगंध है कि उनसे कछु मांगोगे नहीं, कुछ नहीं मांगना। तो जो भी दर्शन करने जाएंगे लाल जी का, हम सबको कसम दे के भेजा करेंगे उन्हीं की, तुमको तुम्हारी सौगंध है अगर तुमने ठाकुर जी से कछु मांगो तो। नेक्स्ट सोसो लाला हमारो, ये लेख क्यों आया मेरे सामने, ये बात मुझे क्यों पता चली साईं के आंगन में आने से पहले, मानो साईं ने कथा प्रारंभ से पहले ही दक्षिणा दे दी, बोले अपने लाला को ने हृदय में छुपाए के रखो, ये सब संसार के लोग कछु मांग सके उनते, जैसे साईं ने श्री जी को छुपा के रखो अपने पास, ऐसे भैया अपने अपने ठाकुरन को भी खूब सजाओ धजाओ, खूब आनंद से उनको तैयार करो, पर अपने पास ही रखो, छुपा के रखो। रसिक प्रीतम हित चित्त की साईं को ये आंगन है। हमारे स्वामी शेखनंद जी महाराज का इसीलिए प्रेम नहीं था उनसे,
आज महाराज जी के शिव स्थान से हमारे पूज्य महाराज जी आए हैं, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीन रूप, तीन गुण और तीन कर्मों की चर्चा महात्मा के प्रथम श्लोक में है। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। हमारे वृंदावन के रसिकजन आज्ञा करते हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद तीन रूप बताए ठाकुर जी के। ओम, तत्, सत, ये तीन शब्द आप कहीं भी सुनते हो तो सीधा अर्थ लगा लीजिए कि ठाकुर जी को अंकित किया जा रहा है, ठाकुर जी को संकेत किया जा रहा है। ओम, तत् और सत्य। भागवत जी के महात्म्य में सच्चिदानंद सत शब्द से ही प्रारंभ है, यानी सत परमात्मा को जिस दिन आपने जड़ ना मान करके चैतन्य मान लिया उसी दिन से आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। सच्चिदानंद रूपाय। हम अपने ठाकुरों को हम सेवा करते हैं, सबके घर में सेवा विराज रही है, चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे त्रिभंग लली ठाकुर जी हो, हमारे गिरधर लाल जी हैं, किसी के यहां चित्रपट की सेवा है। आप अपने ठाकुर को यदि आकृति मानते हो, आप अपने ठाकुर को यदि धातु मानते हो, आप अपने ठाकुर को यदि जड़ तत्व मानते हो, आपको आनंद कभी अनुभव नहीं होगा। सत परमात्मा को चैतन्य मानो, वे साक्षात चैतन्य हैं, वे हमारी तरह खामे, वे हमारी तरह बैठे, वे हमारी तरह चले। महाराज जी अभी बैठे थे, सुदामा कुटी वाले, वे कह रहे थे, चर्चा सुना रहे थे, उसी भक्तमाल में कथा आती है धन्ना जाट की, धन्ना जी महाराज, धन्ना जाट जी के यहां क्या हुआ, धन्ना के साथ कैसी लीला हुई। एक संत सेवा करते थे शालिग्राम भगवान की, और धन्ना जी बैठ करके देखते थे, उनके मन में आयो कि मैं भी सेवा करूं। अच्छा एक बात और, अगर मेरे मोहते बार बार ब्रजभाषा निकले तो क्षमा करियो, ये हमारी मातृभूमि है, यहां तो ब्रजभाषा में ही कथा होएगी, तो जिनको समझ आए अच्छी बात, नहीं समझ आए फिर भी मूड हिलाते रही हूं। तो चैतन्य पर चर्चा कर रहे हैं। धन्ना जाट जी के मन में आई, छोटे से बालक हैं धन्ना, संत कुछ दिन उनके यहां रहे, रोज सेवा करते, बच्चों का स्वभाव होता है, दादी दादा नानी नाना या घर में कोई संत आ जाए और उनकी सेवा देख लें तो बच्चों का बड़ा मन लगता है उसमें। तो धन्ना जी बैठते थे रोज देखते थे सेवा। एक समय आया, संत का वापस जाने का समय आया तो धन्ना जी रोने लगे। संत बोले, अरे बालक मैं आ जाऊंगो, तू मेरे पांव छोड़ दे, मैं जल्दी आ जाऊंगो। बोले, नहीं मैं आपके लिए नहीं रो रहा हूं, अपने ठाकुर जी मुझे दे जाओ, उनके लिए रो रहा हूं, मैं आपकी जैसी सेवा उनकी किया करूंगा। महाराज धन्ना जी इतने जिद में अड़ गए कि पूरा घर अधर कर दिया उन्होंने, संत को जाने ही नहीं दें, मुझे इनके ठाकुर जी चाहिए। तो संत ने एक लीला क्या की, जहां पर पूजा का स्थान था वहां सिंहासन पर उनके शालिग्राम जी बैठे थे, तो उन्होंने चुपचाप शालिग्राम जी तो धर दिए नीचे और सिंहासन पर बाहर से एक चिपटो सो पत्थर लाके धर दियो और वहां पर इत्र आदि लगा दी। धन्ना जी से बोले, इधर आओ बेटा, देखो तुमको सिंहासन वाले ठाकुर जी चाहिए या नीचे वाले ठाकुर जी चाहिए, बताओ, राजा वाले ठाकुर जी चाहिए या सिपाही वाले ठाकुर जी चाहिए। छोटा बालक धन्ना, धन्ना बोले, नहीं हमको तो राजा वाले चाहिए, और राजा वाले जो थे वो तो चिपटा पत्थर था, शालिग्राम जी तो नीचे विराज रहे। तो संत ने कही, ठीक है अब ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं, ठीक है अब ये सिपाही वाले ठाकुर जी हम ले जा रहे हैं, वो असली शालिग्राम जी थे संत के। बोले, हाँ हाँ हमको राजा ठाकुर दे दो। शालिग्राम जी लेकर के चले गए और वो सामान्य पत्थर गली का ऊपर रखा। अब धन्ना जी उनको ही नहलामे, उनको ही सुलामे, उनके ही तिलक करे, मैया से लड़े, मैया मुझको रोरी दिलवाओ, चंदन दिलवाओ, ठाकुर जी को श्री लगानी, मैया कोई व्यवस्था नहीं कराए तो बेचारे बाहर से मट्टी में ही पानी मिलाए के वहां को चंदन लगा दे, कोई व्यवस्था नहीं फिर भी सेवा करें।
इत्र नहीं मिले तो सामान्य तेल ही लगा दे ठाकुर जी को। बोले ठाकुर जी अभी मैं गरीब हूं, मुझ पे व्यवस्था नहीं है, आप ऐसी सेवा स्वीकार करो। और सामान्य पत्थर की सेवा कर रहे हैं। धन्ना जी रोज सेवा करते अपने ठाकुर, उत्साह उनका प्रबल। देखो एक बात समझिएगा, आपका साधन, आपकी व्यवस्था, आपकी बहुमूल्य वस्तु सेवा नहीं प्रकट करती हैं। सेवा में दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, पहला भाव और दूसरा उत्साह। यदि भाव और उत्साह है तो व्यवस्था कैसी है ठाकुर जी को कोई चिंता नहीं। भाव और उत्साह प्रबल होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति, और धन्ना जी का वो प्रबल है। अपने ठाकुर जी को ऐसी मट्टी घिसके वहां में जल लगा के चंदन भी लगा देते, ठाकुर जी चंदन लग गए हो, तेल लगा के बोलते इत्र लग गए हो, बोले भोग कैसे लगाऊं, मैया से लड़ते, बोले पहली थाली ठाकुर जी की निकालो, ठाकुर जी का भोग लगेगा, ठाकुर जी के आगे भोग धर देते, पर्दा लेके ऐसे ही खड़े हो जाते, ठाकुर जी भोग लगा लो, और थोड़ी देर पकड़ के खड़े रहते, फिर वाके बाद ऐसे पर्दा नीचे करके देखते ठाकुर जी खा रहे हैं कि नहीं। अरे आप तो पाई ना रहे, जल्दी पा लो ठाकुर जी, अच्छा नहीं एक देर और पा लो। ठाकुर जी ने नहीं पाया, धन्ना जी बड़े व्याकुल हो गए, ठाकुर जी आप पा क्यों नहीं रहे हो, दाल में कछु कमी है, रोटी बढ़िया ना बनी, ये सामग्री में कोई कमी छूट गई है ठाकुर जी जो आप पा नहीं रहे हो। ठाकुर जी ने जब नहीं पायो तो धन्ना जी बोले अच्छा धनवानन के यहां पाओ आप, हम निर्धन है हमारे नहीं पा रहे हो, ठीक है मैं भी वचन दे रहा हूं, आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा, मैं भूखा रहूंगा। और महाराज धन्ना जी एक रात भूखे ही सो गए, दूसरे दिन प्रारंभ भयो, गुस्सा में ही सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, खुद तो भूखे रहे हम भूखो, अरे कम से कम हमारी भूख मिट जाए वाके लिए खा लियो, ठाकुर जी आज फिर पधराऊंगा, आज पा लियो, मुंह पे ज्यादा भूख सहन नहीं होवेगी। अच्छा देखो ठाकुर जी से लड़ भी रहे हैं, लेकिन धन्ना की जिद कैसी, चाहते तो पा सकते हैं, चाहे तो पा सकते हैं, पर नहीं, लड़ भी रहे हैं और प्रेम भी इतना ठाकुर जी से, जब तक नहीं पाओगे मैं भी नहीं पाऊंगा। दूसरी रात भी निकल गई, धन्ना जी ने कुछ नहीं पाया, छोटे से बालक धन्ना, ठाकुर जी को दया आ गई धन्ना पर। तीसरे दिन धन्ना बोले आज तुम ऊपर सांसों नहीं ले जा रही, आज तुम घबराहट हो रही है, मेरे पेट में चूहा कूद रहे, ठाकुर जी मेरे काजे पालो। पुनः थाली लेके आए, बोले आज नहीं पायो तो प्राण निकल जाएंगे मेरे, ठाकुर जी पाय लो। और पर्दा करके जैसी धन्ना जी थोड़ी देर प्रतीक्षा करन लगे, इतने में ही महाराज चटकारे इनकी आवाज आने लगी भीतर से, कोई अपनी उंगली चाट चाट के पाय रो। और जैसे ही धन्ना जी ने पर्दा हटायो तो नन्हे से श्री गोपाल जी बैठे हैं और पूरा मोह सन रो है, हाथन में सब्जी लग रही है और महाराज रोटी एक कवल हाथ में लेकर के सान सान के, सान सान मतलब फैला के, खूब प्रेम से ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं। आहा बंधुओं, असली शालिग्राम जी तो संत अपने संग ले गए थे, तो गली के चिपटे ठाकुर जी धर गए थे, ऐसे ही कोई सामान्य पत्थर रख गए थे, कैसे प्रकट हो गए ठाकुर जी। ठाकुर जी का अस्तित्व किसी विशेष धातु में नहीं होता है, आपके भाव में होता है। आप चैतन्य भाव रखिए तो सही, जिसके प्रति आप चैतन्य भाव रखेंगे ठाकुर जी वहीं प्रकट हो जाएंगे, वहीं से आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। और क्षमा कीजिएगा, कितनी भी महंगी, कितनी भी बहुमूल्य और कितने भी बढ़िया कारीगर से आप धातु में ठाकुर जी का निर्माण करवा लो, भाव नहीं है तो वो सदा धातु ही रहेंगे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज बड़ी सुंदर धुन में गाते हैं, भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान, भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में, दीखत बस पाषाण
भाव होए तो जित देखूं तित, प्रगट होए घनश्याम। भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है। ठाकुर जी प्रकट हो गए धन्ना के लिए और प्रेम से पान लगे। कुछ दिन बाद धन्ना जी बड़े हो गए, ठाकुर जी को अपने गोजा, गोजा बोलते हैं जेब को, जेब में धर के ले जाते गैया चरावे के लिए। और घर से गांव से थोड़ी दूर जाते ही ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते और धन्ना के गले में गलवाइयां डाल करके गैया चराने जाते थे। ऐसी धन्ना की भक्ति। कुछ साल बाद उन संत का वापस आगमन हुआ धन्ना जी के यहां। धन्ना जी के यहां आगमन हुआ। धन्ना जी के पिताजी ने कही, ए धन्ना, आज गैया चरावे मत जाइयो, आज गैयाओं को यहीं चरा ले। बोले, काय को? आज गुरु धाबात बना रहा है, ठाकुर जी गैया चराएंगे। धन्ना जी थोड़ी दूर गए और अपनी जेब से ठाकुर जी निकाले, ठाकुर जी प्रकट है गए। ठाकुर जी, आज गैया आप ही चराया हो, मेरे गुरु जी आ रहे हैं, मैं उनकी सेवा करूंगा। ठाकुर जी गैया चराने चले गए, धन्ना अपने घर चलोगो। और यहां गुरु जी आए, पैर धोए, माला पहनाई, दक्षिणा रखी, चंदन लगायो। अरे वाह लाला, तू तो बड़ा है गयो धन्ना। अरे गुरु जी, सब आपकी कृपा। और सेवा पूजा चल रही है कि नहीं? हाँ ठाकुर जी की खूब बढ़िया सेवा चल रही है। नवाए धुवाए के, तिलक फोटा लगाए करके, बढ़िया प्रसाद पवाए के भेज दियो, ठाकुर जी गैया चरावे गए अभी। गुरु जी बोले, हैं गैया चरावे गए मतलब? हाँ वो प्रकट है, जाए सबके आगे ना आवे, उन्हें गले में गलवैया डाल गैया चरावे जावे। आज आप आ रहे, हमारे अकेले ठाकुर जी गए गैया चरावे। गुरु जी बोले, क्या पागलपनों जैसी बात करते हो? बोले, नहीं गुरु जी, आप जो देख करके गए उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की सेवा करी। पूरी बात बताई धन्ना ने, कैसे चटकारे लेके ठाकुर जी पाते हैं, कैसे गले में गलवैया डालते हैं, कैसे गोद में बैठ जाते हैं, कैसे बतियाते हैं। गुरु जी को विश्वास नहीं होता। गौ धूली बेला हुई, शाम का समय हुआ। धन्ना बोलो, आपको भरोसा नहीं है ना, आओ मेरे संग, गांव तेने दूर चलो, मैं दिखाऊं। और गुरु जी को हाथ पकड़ करके लेके गए धन्ना जी। तभी क्या देखा, धन्ना जी की गाय आ रही है और उन गायन को हांकते हुए श्याम सुंदर आ रहे हैं। त्रिभंग लली मनोहर पीताम्बरी पहनी है, ठाकुर जी के मधुर अलकावली हैं। तम गो रजच्छुरित कुंतल वद्दवरह, वन्य प्रसून रुचिरे छड़ चारु हासम। गैयाओं की रज उड़ उड़ करके श्री अंग पर लग रही है ठाकुर जी के। ऐसी छवि का दर्शन करके गुरु जी तो वहीं मूर्छित हो गए। होश में जब आए, धन्ना को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके बोले, धन्ना जीवन पर्यंत सांचे शालिग्राम भगवान की सेवा करी पर कभी प्रकट नहीं भाई। मैं तो को गली गली को एक सामान्य चिपटो पत्थर दे गयो, तेने वहां से ठाकुर जी प्रकट कर दिए। धन्य है तेरी भक्ति। इसी भाव से ही भागवत जी का महात्म का प्रारंभ है कि परमात्मा सत्य है, पर उनके प्रति आप जड़ बुद्धि मत रखो, उनके प्रति आप चैतन्य बुद्धि रखो, उनके प्रति आप चैतन्य भाव रखो। आप उनको पाषाण मत मानो, सत परमात्मा को चैतन्य मानोगे तो यही सत चैतन्य बन करके आनंद प्रदान करेगा। सच्चिदानंद रूपाय, अनेक अर्थ हैं इस भाव के, पर एक अर्थ ऐसा भी, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार का जिनका कर्म है, संसार बनाते हैं, पालन करते हैं और उसका उद्धार कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, जीव मात्र के समस्त ताप, ताप यानी कि कष्टों को जो नाश कर देते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्रय विनाशाय पे थोड़ा प्रकाश डालूं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, मेरी शरण में आने वाले के समस्त तापों को मैं नाश कर देता हूं। ठाकुर जी अगर ये बात कह रहे हैं तो हम व्यास हैं, कल हापुड़ कथा विराज विश्राम करके आए, आज यहां प्रारंभ कर रहे हैं।
5 तारीख को यहाँ विश्राम करेंगे, 6 से ऋषिकेश में प्रारंभ करेंगे। हम तो इतनी लीला गा रहे हैं ठाकुर जी की, तो मुझे तो जुखाम होना ही नहीं चाहिए था। तापत्रय विनाशाय, सब प्रकार के ताप दूर करने वाले हैं ठाकुर जी। तो हमारे जीवन में कभी मानसिक रोग, कभी शारीरिक रोग, कभी व्यवहारिक रोग मुझ जैसे को भी स्पर्श नहीं करे। भले हम भक्त नहीं, पर कथा तो गाते हैं ठाकुर जी की। इसका मतलब क्या है? आपके प्रारब्ध में जो जीवन में आना है वो तो आएगा, उसको आप दूर नहीं कर सकते। लेकिन श्री ठाकुर जी की शरणागति से उस आने वाले कष्ट का प्रभाव आपको अनुभव नहीं होता, आपको पता नहीं चलता। समझ रहे हैं ना बात को? मानसिक पीड़ा आ सकती है, शारीरिक कष्ट आ सकता है, व्यवहारिक संसारिक कष्ट जीवन में आ सकता है, पर ठाकुर जी की शरणागति जो ले लेता है उसको फिर कष्टों का अनुभव नहीं होता, वो सामान्य हो जाता, वो सम हो जाता। क्या मीराबाई के जीवन में कष्ट नहीं था? क्या सूरदास जी के ना नेत्र होने का उनको कष्ट नहीं था? क्या रैदास जी को, क्या कबीरदास जी को, जितने भी भक्त आप उठा लो, क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं था? अगर व्यवहार दृष्टि से आप देखो, संसारिक दृष्टि से आप देखो, तो सबके जीवन में कष्ट है। पर क्योंकि वे ठाकुर जी की शरणागत हैं, इसलिए उस कष्ट का अनुभव नहीं होता। मैं आज की भाषा में कहूं तो ठाकुर जी की भक्ति एनेस्थीसिया जाएगो, सुन्न पड़ जाओगे, ऑपरेशन तो होएगो, काट फाड़ तो होएगी, लेकिन दर्द ना होएगो। जीवन में संकट तो आएंगे हर प्रकार के, पर वह पीड़ा प्रभाव नहीं डालेगी आपके ऊपर। मीराबाई का एक बहुत सुंदर पद है, मीराबाई कहती हैं, किसी ने उनसे कहा कि अरे तुम ये ठाकुर जी के गुण मत गाया करो, ये राणा जी तुम पर बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं, किसी दिन तुमको ज्यादा कष्ट ना दे दें, विष पिलाने का प्रयास करते हैं, सर्पों से डसवाने का प्रयास, सब प्रकार से प्रयास करते हैं, ये कहीं कोई बड़ा षड्यंत्र ना रचा दें, तुम ठाकुर जी को भजना छोड़ दो मीरा, और कम से कम भजो तो एकांत में भजो, उनके सामने मत भजा करो। मीराबाई कहती हैं, मैं तो गोविंद राग गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काए करसी, मैं तो गोविंद राग गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काए करसी, मैं तो गोविंद राग गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काए करसी, मैं तो गोविंद राणा जी रूठे तो मने काए करसी, ओ मैं तो गोविंद राग गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काए करसी, मैं तो गोविंद राग चरणामृत रो नेम हमारो, चरणामृत रो नेम हमारो, चरणामृत रो नेम हमारो, चरणामृत रो नेम भैया। या ब्रजवासी बालक पर एक दया कर दो, गले की लेख सब लोग गाओगे तो मुझको सुख मिलेगा। मैंने एक धीरे गाऊं, आपने एक जोर से गाओ, चरणामृत रो नेम हमारो, चरणामृत रो नेम हमारो, चरणामृत रो नेम हमारो, चरणामृत रो नेम हमारो, ओ
मैं तो नित उठ दर्शन जासू, राणा जी रूठ तो मन काय करसु। मैं तो नित उठ दर्शन जासू, राणा जी रूठ तो मन काय करसु। ओ मैं तो तापत्रय विनाशाय। हमसे कोई कह दे तुम ऐसा नहीं कर सकते ठाकुर जी की सेवा में, जैसे बुरा नहीं मानना, कई भक्त पति होते हैं तो उनकी पत्नी आंख दिखाती है, नहीं रखोगे एकादशी का व्रत? कल हमारे बच्चे का जन्मदिन है, बेचारा डर के मारे नहीं रखता। कई पति लोग भी पत्नी को डांट देते, नहीं जाना वृंदावन, बेचारी चुपचाप बैठ जाती कोने में। कई माता पिता बच्चों को डांट देते, नहीं सुननी कथा, पढ़ाई करो, एग्जाम आ रहे हैं तुम्हारे, वैसे करनी चाहिए पढ़ाई, हाँ समय मिले तो सुनो। पर ये सारे तो एक व्यवहारिक कष्ट मैंने बताए, लेकिन संसार कई कष्ट हमको देता, उन कष्टों के कारण हम ठाकुर जी के भाव को पीछे छोड़ देते। मीराबाई कहती है कष्ट प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है, हमारी सेवा प्रधान है। अरे कष्ट आवे हम उसको प्रधानता क्यों दें? हमारी क्या स्वभाव बन गया, कष्ट जीवन में आया हम आसन कुर्सी लगा के उसको पहले बैठाते हैं, प्रायोरिटी उसको देते हैं। जैसे फ्लाइट में जाना हो बिजनेस क्लास वाले को प्रायोरिटी मिलती है, हा? हमने बिजनेस क्लास दे रखी है कष्टों को, जबकि उसकी होनी चाहिए इकोनॉमी, नहीं जनरल में जाना चाहिए उसको, तो पीछे पड़ा रहे, लेकिन हम उसको इतनी फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। हमारे जीवन में चाहे कुछ चल रहा हो लेकिन कष्ट आ जाए तो हम सबसे पहले उसको स्वीकार करते, ओहो ये आ गया, अब सब काम बाद में, ये पहले। लेकिन भक्त का ये स्वभाव नहीं है। भक्त का स्वभाव क्या है? पहले पीछे देखेंगे, पहले ठाकुर जी को देखेंगे। मीराबाई कहती है मैं तो मंदिर में नाचूंगी, और नाचूंगी नहीं घूमर करूंगी ठाकुर जी के आगे, राणा जी रूठे तो मन काय करसु। मैं तो गोविंद राम गुण गासु, राणा जी रूठे तो मन काय करसु। हे राम नाम रा झाज चलास्या, राम नाम रा एक आपको बड़ी गोपनीय बात बताएं, मीराबाई के हृदय के ठाकुर कौन है? श्री गिरधर गोपाल। मीराबाई सेवा किनकी करती है? श्याम सुंदर की। पर मीराबाई का नाम जप क्या है पता है? राम। मीराबाई राम 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 जपती है, सेवा ठाकुर जी की करती है। ऐसे हमारे श्री कोकिल साईं, आप कोकिल श्री जानकी जी के हैं,
आप मानसी में दर्शन श्री राघव जी का और श्री किशोरी जी का करते हैं, पर धाम चुनो टेढ़ी टांग वाले को धाम। और मैंने तो सुना है, साईं से सुना है, क्या कि साईं की बड़ी रति तो बरसाने में थी, हमारी श्री जी के चरणन में थी। बरसाना बहुत प्रिय था साईं को। कई लोग कहते हैं हम राम नाम जपते हैं पर हमको ठाकुर जी क्यों दिखने लग जाते हैं। अरे भाई, इसमें डरने वाली क्या बात है। विपरीत विरोधाभास का प्रेम अति प्रगाढ़ होता है। राम का मतलब क्या, हमारे ब्रज के एक संत कहते हैं, उनसे कोई कहता जाके राम राम, डंडा लेके भागते पीछे। कोई कहता जय श्री कृष्ण, डंडा लेके भागते पीछे। हाँ, उनसे कोई कहता राधे राधे तो डंडा लेके भागते। कोई कहता जय श्री कृष्ण, डंडा लेके भागते। क्या कहते, राम राम बोलो, राम राम। बोले राम क्यों बोले, बोले राम बोलने से तीन काम होंगे। बोले क्या, पहला तो राम जी को स्मरण है जाएगा, और दूसरा रा से राधा, माँ से माधव को स्मरण है जाएगा, तीन उनको स्मरण है जाएगा। तो मीरा बाई की ठाकुर जी गिरधर लाल हैं, पर उनके हृदय में और वाणी पर सदा विराजने वाला राम नाम था। राम नाम राज चला स्या, 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 भव सागर तर जासू, राणा जी रूठ तो मने काय कर। मैं तो भव सागर तर जासू, राणा जी रूठ तो मने का भाव से। मैं तो गोविंद रागुण गासू, राणा जी रूठ तो me।